जून पेमेंट नहीं हुआ, जुलाई भी लास्ट करने जा रहा है, जुलाई ड्यूज है। और फिर प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला है, कोरोना का एक महीना का प्रोत्साहन राशि भी मिला है तो वो भी नहीं मिला है। सर, जैसा कि अभी हम लोग को मालूम चला कि यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ के जो स्टाफ कर्मी थे, जो नर्स थे, वो लोग अपने काम को छोड़कर एक जगह एकत्रित होकर वो लोग आंदोलन कर रहे थे। उनका मानना था कि उनको पेमेंट रोका गया है, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है और इसके लिए वो लोग आपके पास आए हुए थे और आपके पास से भी तुरंत यहाँ से गए हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो लोग संतुष्ट हो गए और अपने काम को लौट आए? आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले से बात की है तो उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के अंदर इनका वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं वही बात इन लोगों को बताया तो बोले कि ठीक है सर, 2 दिन। दर्शकों, जैसा कि हमने अभी जो वहाँ के मेन जो लीड कर रहे थे उनसे बात किया तो उनसे हमें क्या पता चला कि उनका मानना है कि इन्हें अपने काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि जब अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन में पेमेंट हो जाएगा तो वो पूर्ण रूप से इस पे सहयोग में लगे हुए हैं और आशा है कि उनसे पेमेंट मिल जाएगा। उनका मानना है कि अगर 2 दिन के बाद पेमेंट नहीं आता है तो उन्हें फिर से हड़ताल पे जाना चाहिए। परंतु अभी मेडिकल कॉलेज में हमारा मेन मुद्दा ये था, हमारे टोटल स्टाफ का यहाँ पर सैलरी नहीं दिया जा रहा था, 1 मंथ से ओवर होने वाला है, तो जिसके कारण जो जितनी भी नर्सेज हैं, जितनी भी वर्कर हैं, वो सब हड़ताल पे चले गए। ऐसे नहीं, 2 दिन पहले भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था हड़ताल पे जाने के लिए, इसके बाद यहाँ पे हड़ताल रखा गया था कि अगर सैलरी नहीं आया इस मंथ तक तो हम लोग हड़ताल करें। वही आज यहाँ ये आश्वासन सुप्रिंटेंडेंट सर ने दिया है कि 2 दिन के अंदर आपका पेमेंट, यही बात है। इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सर से बात करने के लिए, हमारे कंपनी जो है हम जिस की वहाँ से बात कर रहे हैं। तो मैम, जैसा कि हमने अभी बहुत सारे नर्सों से बात किया, उनका मानना है कि जब तक उन्हें लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये नर्सेस पर डिपेंड करता है कि वो काम करना चाहे या ना चाहे, क्योंकि कंपनी के थ्रू से बोला गया है कि 2 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगा और यहाँ से सुपरिटेंडेंट सर का भी कहना है 2 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगा। अब ये उनका डिपेंडेंट है, वो खुद एक वर्कर है, उनके पास खुद एक राइट है कि वो काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, दे हैव राइट टू वर्क। बट मैम, जैसा कि अभी सर ने बोला तो कि 2 से 3 दिन के अंदर उनका पेमेंट या मानोदय मिल जाएगा, तो लिखित तो वो देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं आपके अनुसार से? अभी तक कोई लिखित नहीं आया, तो मतलब आपके अनुसार से क्या लगता है कि लिखित आएगा या नहीं आ सकता? लिखित तो मुझे नहीं लगता आएगा, वो 1-2 दिन में अगर पेमेंट के लिए बोला गया है तो शायद वो लोग पेमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, यही है। मैम, तो जब तक लिखित नहीं आएगा तब तक मान के चलिए हमारा, हम लोग ये भी जानते हैं कि हॉस्पिटल एक एसेंशियल वर्क है और मान के चलिए बहुत सारे पेशेंट भी यहाँ पर हैं, अगर अफेक्ट हो ही रहे हैं, इससे पेशेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं, स्टाफ भी अफेक्ट हो रहा है, स्टाफ कैसे काम करेगा अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी? वो तो ठीक है मैम, बट अचानक ड्यूटी आवर में अगर इस तरह का हड़ताल हो तो पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा मैम। ये तो मेजर लॉस है ही हॉस्पिटल के लिए भी और पेशेंट के लिए भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर कोई स्टाफ नहीं काम करना चाहता तो? मैम, आपकी राय से क्या होना चाहिए? मेरे राय से ये होना चाहिए कि अगर सैलरी का इनको 2 दिन का हो चुका है तो हम अपने काम पे लौट जाए, अगर 2 दिन के बाद नहीं होता तो दे आर फुली क्या कर सकते हैं, अगर फुली फ्रीडम है कि अगर ये पूरा काम रोकना चाहे तो रोक सकते हैं।